ईद मुबारक। तो गाइस आज ईद है यहाँ पे दुबई में, आज है 28 तारीख और यहाँ पे ईद है पाकिस्तान में और इंडिया बांग्लादेश वहां पे कल है। तो ईद वाले दिन अभी मैं निकला हूँ 10:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी है ही नहीं। छुट्टी क्या करेंगे, घर पे रह के क्या करेंगे, सोएंगे, मोबाइल यूज करेंगे, फजूल में टाइम ही जाया करेंगे। तो घर पे मैं रेडी होके उबर करीम ऑन करके बैठा हुआ था कि कोई मैसेज आ जाए तो फिर ही मैं निकलूं। तो अभी सब पहला मैसेज उबर का एक्स का आया। तो आज कोई फिलहाल तक तो कोई मुझे और कोई काम नहीं है उबर करीम के अलावा, अगर कोई मिला तो वो बात की बात है। तो आज ईद का दिन है यहाँ पे, तो मैं आपको कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑफ सीजन अब स्टार्ट हो चुकी, छुट्टियां हो चुकी हैं और काम बहुत ही कम हो गया। तो देखते हैं कि कल तो मेरा वो गेस्ट था, 3 घंटे मैंने उसके साथ लगा लिए तो कुछ पैसे बन गए। आज अगर मैं पूरा काम उबर करीम पे करूं तो कितने पैसे बनेंगे और कितना काम होगा, कितने ट्रिप्स मिलेंगे। सब ईद के दिन पहला ट्रिप उबर का जिसके मुझे मिले हैं 11 दिरहम्स। हाँ, 11 दिरहम मिले हैं मुझे पहले ट्रिप के। और अभी निकलता हूँ यहाँ से और देखता हूँ आगे कुछ मिलता है या नहीं। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और घूमने का दिन है भाई, आज तो घूमेंगे। ये एक्स है 11 से लेकर 15 तक छोटी गाड़ी है और 6 से लेकर 10 तक, मतलब ये है कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, चांद तारों से कहो के अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो के अभी ठहरे जरा, थोड़ा इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। अभी ये देखें मेरा उबर एक्स पे भी नंबर आ गया और एक्सएल पे, मतलब 1 से लेके 5 गाड़ियां एक्सएल की और 1 से लेके 5 तक। ये है कि अभी किसी भी टाइम पे मुझे मैसेज मिल जाएगा एयरपोर्ट के पिकअप का और फिर मैं ये जो पार्किंग एयरपोर्ट से बाहर है इस पार्किंग से निकल के चला जाऊंगा एयरपोर्ट की अंदर वाली पार्किंग में, फिर वहां पे भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक के गेस्ट का मैसेज नहीं आता। अपने टाइम को मैनेज करना आपके हाथ में होता है अगर आप टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं। देखें मैं सुबह निकला, मैंने एयरपोर्ट पे चेक किया कितनी गाड़ी थी, वो 10 से 15 गाड़ियां मुझे नजर आई, तो मैंने कहा कि यार ये बेहतरीन टाइम है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, जब 10 से 15 गाड़ियां मैंने देखी तो फिर मैंने देखा कि फ्लाइट्स कितनी आ रही हैं 1 घंटे के अंदर। जब मैंने 11 से लेकर 12 बजे तक का टाइम देखा तो उसमें 54 फ्लाइट्स थी। 54 फ्लाइट्स मतलब पीक का टाइम था, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इसी घंटे में आ रही थी। तो एक नंबर पे गाड़ियां कम थी और दूसरे नंबर पे ज्यादा चांसेस थे ट्रिप लगने का, जल्दी ही मेरा टाइम जाया नहीं होगा एयरपोर्ट पे क्योंकि फ्लाइट्स बहुत ज्यादा थी। ये दो चीजें देख के आप आए एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप एयरपोर्ट का ट्रिप करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे गाड़ियां 50-60 खड़ी हुई है तो भाई आपका नंबर क्यों आएगा और कब तक आएगा, 3-4 घंटे आपके यहाँ पे लग जाएंगे। तो गोली मारें यार पिकअप को, क्यों इतना टाइम जाया करेंगे यहाँ पे, निकल जाएं किसी और साइड पे, छोटे छोटे भी ट्रिप मिलेंगे कुछ ना कुछ तो हो गई। लेकिन जब गाड़ियां कम हैं, फ्लाइट ज्यादा आ रही हैं, तो उस टाइम एयरपोर्ट पे आए एयरपोर्ट का पिकअप करने के लिए, ताकि 1-1.5-2 घंटे में आपका ट्रिप लग जाए और फारिग हो जाए, यहाँ से निकले भागे जान छोड़े। आ गया मुझे एयरपोर्ट से पिकअप का, तकरीबन 1 घंटा लग गया और ये है भी मैसेज टर्मिनल 2 से। अभी जा रहा हूँ मैं टर्मिनल 2 पे पिकअप करने के। बताया था कि गाड़ियाँ कम है यहाँ पे, 10 से 15 गाड़ियाँ थी जब मैं आया था, तो फिर भी 1 घंटा मुझे लग गया। तो फर्ज करें अगर यही गाड़ियाँ ज्यादा हो तो फिर कितना टाइम लगेगा भाई साहब। एयरपोर्ट वाला ट्रिप जो था वो निकला पाम का, अवानी होटल पाम में, अभी मैंने उसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। तो अभी मैं जब ड्रॉप किया तो फिर आगे उबर का दूसरा मैसेज मिल गया रोताना होटल से। तो पैसे कितने आ गए यार, 77 दिरहम्स मिले हैं मुझे जो ट्रिप के, और 25 दिरहम एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके जो आप एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं। तो टोटल हो गया 77 प्लस 20, ये हो गया 97 प्लस 5 102, ये हो गया जी। तो अभी जो ट्रिप मिला है मुझे उबर का, अभी देखता हूँ जी ये कहाँ जा रहा है साहब। तो चलें इसकी तरफ चलता हूँ और उतार के तो फिर बताता हूँ आपको कि ये कहाँ जा रहा था। कुछ तो कुछ हो गया भाई,
100 तो बना। करीम ने आज भी अभी तक कोई ट्रिप नहीं दिया, पहले जो दो ट्रिप मिले हैं दोनों उबर के, और ये तीसरा ट्रिप आया है वो भी उबर का। अरे उबर तो छा गया भाई, उबर तो छा गया। ये करीम किधर है, किधर है ये लोग? उसके बाद एक लगा मरीना मॉल का ट्रिप वहीं से, और टोटल हो गया जी कितना, 103 ये वाला और 25 वो वाले जो पिकअप वाले थे, यानी कि 120। तक भी करीम साहब का मैसेज नहीं आया, करीम सो रहा है कहीं, उबर ने मैसेज दिए 3 ना माल वाला गेस्ट छोड़ के। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करता करते चलते चलते फिर आ गया था मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। तो अभी हूं मैं मौजूद एमिरेट्स मॉल में। तो सर ये है वो अयाज भाई जिनके बारे में मैं कल आपको बता रहा था कि इन्होंने अभी गाड़ी ली है, ये है इनकी कंपनी। ये HV क्या बनता है जी अयाज साहब? इससे VIP साहब अयाज, जिनके बारे में मैं कल आपको बता रहा था कि इनको गाड़ी मिली है 2-3 दिन पहले। तो अभी एमिरेट्स मॉल में हम लोग यहाँ पे क्यू में खड़े हैं करीम की। अब मुझे तो मैसेज आ गया, मैं निकलने वाला हूँ, उनको ये अभी आए यहाँ पे, तो मुलाकात होगी इनसे, तो आगे भी चलते रहेंगे तो करते रहेंगे, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी, क्यों ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, आज का ट्रिप कैंसिल होना। शहबाज भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे पाकिस्तान से, मैं इनसे बात कर रहा था पाकिस्तान से, मैंने नंबर लिया और फिर मैं इनसे बातचीत करता रहा, तो मुझे काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया और अभी तक स्टिल कर रहे हैं, तो मुझे मेरा काम भी दिला रहे हैं मुझे साथ साथ, और मुझे मेरा टारगेट भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नए बंदे हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला इनको अजर दे। हमारी कोशिश होती है कि जो नए बंदे हैं जिनको कुछ पता नहीं है इस बारे में, उनको साथ ले लेके चले, उनको बताएंगे कहाँ पे जाएं, कहाँ से ट्रिप मिलेंगे और कहाँ से काम बेहतर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक इनके लिए, तो डिसहार्ट ना हो आपके लिए, ऑफ सीजन है, मुझे पता है कि काम बहुत कम होता है, तो इंशाल्लाह जैसे ही सीजन आएगा, क्योंकि गाड़ी मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको थोड़ी गलत टाइम पे मिल गई है कि इन दिनों में ऑफ सीजन होता है, तो इंशाल्लाह ताला काम बेहतर हो जाएगा आपका। चले मेरा भी ट्रिप आ गया, चले निकलते हैं यहाँ से, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। चलो जी मुझे निकलना है यहाँ से, क्योंकि ट्रिप मेरा कैंसिल। इनकी क्यू में मैं लगा हुआ था, ये मैसेज आ गया उसका, ताला देखता हूँ ये कहाँ जाएगा। जो पूरा दिन है करीम का, एक भी ट्रिप नहीं मिला था आज भी। जो ट्रिप मैंने करीम से निकलवाया जबरदस्ती, उबर करीम की क्यू जो होती है, करीम की जो क्यू होती है मॉल ऑफ द एमिरेट्स में, वहां पे खड़े होके, तो क्यू से मुझे ट्रिप मिला 42 दिन मैंने 7वां में, और यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ कि क्या मिलेगा और किस तरफ से मिलेगा। मुझे लग रहा है कि करीम को शर्म आना शुरू हो गई अपने किए पे, अब इसने फौरन ही मुझे दूसरा ट्रिप दिया करीम का। किधर गए? करीम का ट्रिप आया था, वो ट्रिप था कंफर्ट का, मतलब जो हमारी गाड़ी का ट्रिप होता है, लेकिन जब वो लड़की बेचारी बाहर निकली तो वो गाड़ी देख के डर गई थी। वो कह रही थी कि पता नहीं कितने पैसे आएंगे इसमें, मुझसे पूछ रही थी कितने पैसे आएंगे, मैंने कहा जी ट्रिप खत्म होगा तो फिर ही पता चलेगा कितने पैसे आए आपके। तो कहती है कि मुझे ये करीब ही जाना है तो मैं कैंसिल कर दूंगी। मैंने समझाया उसको कि 15 दिन तो तुम्हारे लग जाएंगे ये कैंसिलेशन में, तो हो सकता है कि तुम्हारा 20-25 दिरहम ही आए, तो 10 दिरहम तुम्हारे एक्स्ट्रा लगेंगे चार्जेस ये कैंसलेशन के अलावा, तो तुम चली जाओ। कहती है कि नहीं मैं कैंसिल कर दे, तो 15 दिरहम उसके वो चले गए। अब ये दोबारा से बुक करेगी तो 15-20 दिरहम तो फिर भी इसके लग जाएंगे, तो ये हो गया 20 दिरहम अगर लगे तो 35 दिरहम। तो मैं इसको अच्छा ही मशवरा दे रहा था कि अगर तुम चली जाती हो तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, इसको कैंसिल मत करो, लेकिन हमारी मानता ही कौन है। तो अभी मैं निकल दूं यहाँ से, तो चलते हैं कोई और ट्रिप ढूंढते हैं भाई। तो अभी मैं दोबारा से आ गया हूँ एमिरेट्स मॉल में, क्योंकि करीम का ट्रिप निकालना आसान काम नहीं है भाई, आजकल बहुत मुश्किल से ट्रिप देते हैं करीम वाले। तो अभी आया हूँ मैं दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू लगी होगी करीम की, देखता हूँ कितना नंबर आएगा और कितनी देर के बाद आएगा। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आपको उबर का ट्रिप भी मिल सकता है, वो भी एक ऑप्शन रहता है आपके पास, जो चाहे उबर का पहले आ जाए, करीम का पहले आ जाए, जो भी आ जाए वही कर लेने का। इन दिनों में कुछ भी नहीं छोड़ने का भाई, छोटे से छोटा ट्रिप, बड़े से बड़ा ट्रिप, जो भी मिले कर लो। आया तो था यहाँ पे मैं करीम के मैसेज के लिए, लेकिन मुझे आ गया उबर का मैसेज, और वो भी बड़ी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का ट्रिप, मतलब पैसे ज्यादा बनते हैं भाई, इसलिए मुझे बड़ी गाड़ी पसंद है यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको उठाने के लिए, और फिर इसको ड्रॉप करके तो आपको बताता हूँ कि कितने पैसे आए और कहाँ पे छोड़ा है। लास्ट ट्रिप मिला था एमिरेट्स मॉल से, उसको मैंने अटलांटिस होटल में छोड़ा। उबर का काम हो गया 137 प्लस
25 प्लस करीम के दो ट्रिप्स, एक जो कैंसिल हुआ 13 दिरहम्स और एक जो था उसके पता नहीं कितने थे यार, 42 समथिंग थे, लेकिन एक साले कटेगा तो 48। तो ये काम हुआ अभी तक और टाइम हो गया अभी 3:11। असल में आपका टारगेट उसी टाइम पूरा होता है जब उबर और करीम दोनों डिवाइसों पे ही आपको मैसेजेस आ रहे हों और काम मिल रहा हो। तो अभी करीम का एक और मैसेज मिला 43 दिरहम्स का और जुमेरा पार्क में, यहाँ पे मैंने उसको छोड़ा है अभी। तो टोटल काम हो गया 43 करीम का, 13 करीम का, 42 करीम का, ये हो गया तकरीबन 40, 80, 90, 94, 97, 97, 97, 98, 98, तकरीबन 100 दिरहम हो गया करीम के ऊपर और 137 हो गया उबर के ऊपर और 25 दिरहम जो है जो पिकअप के मिले थे। तो टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, अभी टाइम हो गया 4:43 का, अभी भी टाइम है, 5,500 और हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा भाई। तो चलिए अभी ढूंढते हैं, क्योंकि ये एरिया करीम के ऊपर तो बिजी दिखा रहा है कि इस एरिया से शायद आपको ट्रिप मिलेगा और अच्छे रेट में, 1.1 का रेट चल रहा है करीम का यहाँ पे। तो देख लेता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे रुक के कि आज करीम ने थोड़ा सपोर्ट किया, 3 ट्रिप्स दिए, कल एक भी नहीं दिया। उबर ने टोटल दिए कितने, आज 4 ट्रिप, 4 उबर के हो गए और 3 करीम के, टोटल 7 ट्रिप हुए अभी तक और काम ये हुआ जो मैंने आपको गिनवा दिया सारा। तो देखते हैं कि टारगेट कहाँ तक पहुंच पाता है। जो मुझे ट्रिप मिला था जुमेरा पार्क का, उसको मैं छोड़ के तो घूम रहा था, तो मुझे अब ट्रिप मिला है एमिरेट्स हिल से। डेस्टिनेशन जो मैंने डाल दी थी एयरपोर्ट की, तो मैसेज भी आया है टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन का उबर का। तो अभी जा रहा हूँ इनको पिकअप करने के लिए, लेकिन ये 8 मिनट दूर था, 6 किलोमीटर था, 8 मिनट दूर एमिरेट्स हिल के अंदर जाके। तो देखता हूँ कहाँ तक जाएगा ये गेस्ट से जो ट्रिप मिला था, उसके पैसे आए हैं जी 54 दिरहम्स। डिस्ट्रिक्ट 1 में उतारा मैंने उसको, अभी ड्रॉप किया, तो उबर का टोटल हो गया 191 दिरहम और ऑलमोस्ट 100 करीम के। तो इसका मतलब है कि 300 होने वाला है। तो अभी टाइम हो गया 5:46, टाइम है अभी, शायद कुछ अच्छे ट्रिप लग जाए, लग सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे ट्रिप लगने का टाइम है अभी, थोड़ा वेट करता हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह, जहां पे मैंने गेस्ट को छोड़ा था तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मुझे वहीं से ही ट्रिप मिल गया उबर का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ट्रिप जो मैंने डिस्ट्रिक्ट 1 से उठाया था और जुमेरा विलेज सर्कल पे लाके छोड़ दिया उसको, 56 दिरहम्स आए इसके पीछे, वो टोटल हो गया जी 247 ये और 100 वो वाला, 347 और 25 दिरहम जो है वो पिकअप जो किया था वो वाला। बस टाइम हो गया 6:30, टाइम है, मुझे चाहिए कि यहीं पे अब रुक के, तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा 5-10 मिनट तक या 15-20 मिनट तक भी, तो फिर देखता हूँ यहाँ से अगर कोई ट्रिप आता है, नहीं आता तो फिर थोड़ा इस एरिया में घूमूंगा और फिर यहाँ से निकल के थोड़ा किसी और साइड पे जाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास मजीद काम करने के लिए। तो तकरीबन 380-390 दिरहम ईदी हो गई आज की, क्योंकि यहाँ पे आज ईद का दिन है और मैं ईद वाले दिन काम कर रहा हूँ यहाँ, तो मेरी ईदी ये बनी आज की 380 दिरहम। ये है लास्ट ट्रिप जो मुझे मिला है 16 दिरहम का, तो टोटल हो गया 264 उबर पे और 25 दिरहम का एक पिकअप जी करीम के ट्रिप 43, 13 और 42। ये 3 ही ट्रिप मिले सुबह से, बस वही ये टोटल काम हो गया 387 दिरहम का आज का ईद के दिन, और ये है आज की मेरी ईदी जो बनी है 387। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट पूरा हो गया, कंपनी के पैसे पूरे हो गए, पेट्रोल के पैसे पूरे हो गए और कुछ पैसे बच भी गए। घर पे रहते तो क्या क्या ही कर लेते, सारा दिन सोते मोबाइल देखते और टाइम वेस्ट करते, तो उससे बेहतर है कुछ काम कर लिया, कंपनी के भी पैसे पूरे और खुद भी अपनी जेब में भी कुछ आ गया और दिन भी आज का गुजर गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली नई वीडियोस के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। कीप वॉचिंग।